बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, कल से सर्कुलेट कर रहा है और मीडिया में भी इसकी न्यूज़ चल रही है अबाउट द बैन ऑन जॉब्स फ्रॉम ग्रेड्स 1 to 16। पिछले एक साल से जो सीटें खाली थीं वो अबॉलिश हो गई हैं या हो रही हैं, तो इसके बारे में एक मीडिया पे भी चल रही है कि गवर्नमेंट ख़त्म करने जा रही है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा एक आपके 8-10 मिनट लग जाएंगे, मैं इसमें आपको बताऊंगा कैटेगोरिकली कि इसकी नेचर क्या है लेटर की और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं और करंटली इसका क्या स्टेटस है और फ्यूचर में आपको किस तरफ मूव करना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑन द डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट डिवीजन एक इशू किया है जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 16, जिसमें टेक्निकली अभी थोड़ा सा डिफरेंस करने वाला रहता है कि इसमें गजटेड पोस्ट शामिल हैं या नहीं। गजटेड का मतलब है जो FPSC रिक्रूट करता है, और दूसरे नंबर पर जो 1 से 16 तक आगे होती कुछ प्रमोशन के केसेस होते हैं जो 14 से लेकर 16 तक प्रमोट होते हैं या 12 से 14 और बियॉन्ड इस तरह। तो जो प्रमोशन के कोटे हैं आया कि उस पे है या गजटेड पोस्ट पे, इस पे अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब 1 से 16 तक एक साल का बैन करने का मतलब ये है कि जो पोस्टें अभी तक खाली हैं लेकिन उनको फिल नहीं किया गया। अब बात आती है जो करंटली जॉब चल रही हैं FPSC में, और ये भी एक बात बता दूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट के रेलिवेंट पॉलिसी है, प्रोविंशियल पॉलिसी नहीं है। तो अब जो है आप लोगों ने जो सोचने वाली बात है कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जो पोस्ट अभी प्रोसेस में चल रही है, उनकी ऑलरेडी NOC हो चुकी हुई है। NOC मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ले के फिर ये जॉब्स फ्लोट की जाती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनके फंड्स एलोकेट कर देती है बजट में जिनकी NOC दे चुकी होती है। तो इट्स मीन कि वो अबॉलिश में नहीं जाएंगी। तो कई सारे लोग सीनियर ऑडिटर या इस तरह की जो जॉब्स अभी चल रही हैं, प्रिवेंटिव अप्रेजल ऑफिसर फ़लाँ एंड फ़लाँ, तो उनमें परेशान हो रहे थे कि आया वो भी अबॉलिश हो जाएंगी या नहीं। नंबर वन, अभी तक तो ये अबॉलिशमेंट का लेटर फाइनल नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल करनी है, लेकिन कैबिनेट से अप्रूव होने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर देगा, पॉलिसी ऑन द बोर्ड हुई है। और ये पॉलिसी भी मूव जो की गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से की गई है ताकि गवर्नमेंट जो है अपने अखराजात को कम करे। तो ये जो एक अबॉलिश होता है, अबॉलिश का मतलब ये हो सकता है कि ये परमानेंटली अबॉलिश कर दें, उसकी जगह उसके रिक्रूटमेंट हो ही ना दोबारा से, मतलब वो सीट अबॉलिश हो, उसके लिए उस डिपार्टमेंट को दोबारा से अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी पोस्ट और अपनी चेन जो चैनल जो बना होता है उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। डिपेंड्स करता है कि ये किस ग्रेड की है, आया कि सेक्रेटरी ने क्रिएट करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करनी है, स्टाफ डिवीजन ने करनी है या प्राइम मिनिस्टर ने, ये डिपेंड करता है स्केल और ग्रेड पे कि कौन सी पोस्ट कौन क्रिएट करने का मजाज है। ये हो गई बात कि अबॉलिश होने की क्या पोजीशन है। दूसरे नंबर पे जो अबॉलिश होंगी, इट्स मीन कि जो अभी तक किसी महकमे में सीट से जो बंदा एक रिटायर्ड हुआ था उसको एक साल हो चुका है लेकिन उसकी NOC नहीं ली गई, वो होगा। ये टेक्निकली आज मैंने कई सारी जगह पे डिस्कशन के बाद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कल से सर्कुलेट कर रहा था लेकिन मैंने बेहतर ये समझा कि आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर है कि मैं पहले उस पर वर्किंग करूँ, उसका बेहतर से बेहतर सोल्यूशन आप तक लेके आऊँ और बेहतर से बेहतर जो है वो आपको गाइडलाइन मुहैया की जाए। तो नंबर वन, आपने वरी नहीं होना, जिन लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट हो रहे हैं, जिनके प्रोसेस में है रिक्रूटमेंट, वो नहीं रुकेगी, वो रिक्रूटमेंट होगी। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है कि आने वाले वक्त में FPSC से जो इट्स मीन के जॉब्स काफ़ी सारी कम आने के चांसेस हैं। एक तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, कल परसों में एक जो जुलाई के लिए ऐड आना है वो भी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है सीटों पर, तो उनको चाहिए कि वो फोकस करें अपनी तैयारी पर और डू एंड डाई वाला काम करें और डेडिकेट हो के तैयारी करें, उसको लाइट ना लें। जितना आपको पेंडेमिक COVID-19 की वजह से टाइम मिला हुआ है उसको गनीमत जाने, उसको गनीमत जाने, उसको मैं फिर कह रहा हूँ तीसरे नंबर पे गनीमत जाने। हो सकता है कि आने वाले काफ़ी सारे टाइम में कोई जॉब रिक्रूट ना हो,
तो बेहतर है कि जो आपके पास चांस है उसकी बेहतरीन तैयारी कर सकें जितना आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपने इन पे फोकस करना है। दूसरे नंबर पे जिन्होंने ग्रेड 17 के लिए अप्लाई किया हुआ तो वो ग्रेड 17 पे ज़्यादा फोकस करें, ग्रेड 16 की जैसा कि एडी नायब है, नेशनल सेविंग ऑफिसर है इसके लिए, या जिन लोगों ने प्रोविंशियल ऑफिसर प्रोविंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई किया हुआ, या पीपीएससी में या केपीएससी में या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने जॉब पर अप्लाई किया, उनको भी वो फोकस करें ताकि वो जिस जॉब के लिए तैयारी करें उसके लिए वो रिस्क ना हो। 17 ग्रेड को फोकस करें और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तैयारी करें, डेडिकेट होकर तैयारी करें। कंपटीशन सख्त होगा क्योंकि हर बंदा डू एंड डाई वाला काम करेगा, और बेहतरीन तैयारी करें। इसके अलावा जिन लोगों की क्वालिफिकेशन बैचलर है उनको चाहिए कि पहली फुर्सत में वो मास्टर करें, और इंशाल्लाह अन करीब हम MA IR, MA इस्लामियात की हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, MA पोलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से 2-3 मास्टर की डिग्री के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी मुहैया करेंगे, तो आप लोग उस तरफ मूव करें ताकि आप इन टाइम मास्टर की डिग्री हासिल करें, और जितना शॉर्टेस्ट टाइम में आप मास्टर की डिग्री कंप्लीट करेंगे वो आपको एलिजिबल करेगा ग्रेड 17 के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ग्रेड 17 की जॉब्स बैन नहीं हुई क्योंकि वो गजटेड पोस्ट हैं और उनकी क्रिएशन बड़ी मुश्किल से हुई होती है, और वो चूंकि एक कैडर के हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी पहले क्रिएशन की एक लिमिट रखी होती है इसलिए उनको कम नहीं कर रहा है। तो आप 17 की तरफ फोकस करें, और जिन्होंने ऑलरेडी 17 के लिए अप्लाई किया वो अपना फोकस सारा का सारा 17 की स्केल की जॉब की तरफ शिफ्ट कर लें। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको चाहिए, अगर मास्टर डिग्री की तरफ जा रहे हैं ठीक है, अदरवाइज़ वो CSS की तरफ मूव करें, PMS की तरफ मूव करें, और उसके लिए अच्छे से तैयारी करके अपने जो करियर, अगर उनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं देन दे मस्ट मूव। इसके बारे में काफ़ी सारी मैंने पहले भी गाइडलाइन दी हुई है कि जो करना चाहते हैं वो हो सकता है, नामुमकिनात में कुछ भी नहीं है। तो इस लेटर को एक दफ़ा मैं आपकी सरसरी तौर पे पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं इसमें कोई चीज़ और हो तो मैंशन कर दूँ। अबोलिशन ऑफ पोस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट, तो ये आपको क्लियर यहाँ पर हो जाना चाहिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट के मामला है, विच आर वैकेंट सिंस मोर देन 1 ईयर, यानी कि एक साल से ज़्यादा जिनका टाइम हो चुका है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन्स कम्युनिकेशन, और उसका लेटर नंबर है 5/11/2019 का, MSW, डेट है 4 जून 2020 की, ऑन द अबव सब्जेक्ट एंड टू स्टेट दैट द 34th मीटिंग ऑफ द कैबिनेट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी CIC द रीऑर्गनाइजेशन द फेडरल गवर्नमेंट वॉज हेल्ड ऑन 7 मई 2020 एंड एजेंडा आइटम अबोलिशन ऑफ पोस्ट इन दी फेडरल गवर्नमेंट एंड फ्रीजिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ वॉज डिस्कस्ड फॉलोइंग डिसीजन वॉज टेकन डिसीजन Para 4, और इसका पैराग्राफ नंबर 1 है, द कमेटी डायरेक्टेड द फाइनेंस डिवीजन टू अबोलिश ऑल पोस्ट दैट हैव रिमेन्ड वैकेंट फॉर मोर देन 1 ईयर इन BPS 1 से 16 तक इन ऑल मिनिस्ट्रीज डिवीजन एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। कॉपी इनक्लोज, अभी यहाँ पे तो कॉपी नहीं है। दूसरे नंबर पे जो पैराग्राफ है, इट हैज़ बिन स्टेटेड दैट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड एंड ड्यू टू दिस द एनुअल सैलरी बिल हैज़ इंक्रीज बाई 3-folds एंड पेंशन बिल इज़ बिकमिंग अनइमेजिनेबल फर्दर। द स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज़ लॉपसाइडेड with 95% employees in grade 1 से 16 consuming 85% of the salary bill, यानी कि टोटल 95% जो हैं ग्रेड 1 से लेकर जो है वो 16 तक लोग हैं, और जिसकी वजह से जितना अमाउंट रखी जाती है सैलरी के मद में उनका 85% उनकी पेमेंट के लिए मुख्तस हो जाता है। तीसरा पैराग्राफ कहता है, इट मे बी एडिड हेयर दैट इट हैज़ ऑलरेडी बिन डिजायर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड वर्ल्ड बैंक दैट गवर्नेंस अपरेटस मे बी राइट साइज एंड स्मार्ट एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बी कर्टेल। तो ये प्राइम मिनिस्टर और वर्ल्ड बैंक की तरफ से डायरेक्शन एक किस्म की है, तो प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली फिर कर देगा। चौथे नंबर पे, द मैटर हैज़ बिन एग्जामिन्ड इन फाइनेंस डिवीजन, तो ये मामला कमेटी की तरफ से यानी कि कैबिनेट की कमेटी की तरफ से फाइनेंस डिवीजन की तरफ गया, विच इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द डिसीजन ऑफ अबोलिशन ऑफ वैकेंट पोस्ट इन BS 1 से 16 इज़ न्यू पॉलिसी रिकमेंडेशन इन आइटम्स ऑफ द रूल्स 16 ऑफ द रूल्स ऑफ द बिजनेस 1973। द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट
इम्प्लीमेंटेशन कमेटी आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द फेडरल कैबिनेट फॉर अप्रूवल आफ्टर सीकिंग परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द रिकमेंडेशन अनलेस अप्रूव्ड बाई द फेडरल कैबिनेट शैल हैव नो लीगल बैकिंग फर्दर द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स 24 एंड रूल 11 ऑफ द रूल्स ऑफ द बिजनेस 1973 अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 द रेलिवेंट डिवीजन टू द टू कंप्लाई एग्जीक्यूट द डिसीजन इज द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन यानी कि फाइनल डिसीजन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड फर्दर इन द मैटर दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ मूव हुआ है और कैबिनेट डिवीजन से भी फाइनली पीएम की अप्रूवल के बाद ये होगा तो ऑलरेडी इसमें कुछ ना कुछ क्या बल्कि ठीक ठाक दम लग रहा है इस लेटर में तो आप लोग मेंटली रेडी रहें और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मैसर हो चुकी है उसको सीरियसली लें और अपने कैरियर के लिए आप खुद ही बेहतर से बेहतर ख्याल कर सकते हैं ऑल द बेस्ट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333-570-6226 नंबर है और हमारी वेबसाइट ऐप विज़िट कर सकते हैं टाइम टू टाइम www.harvardacademy.com अल्लाह हाफिज़।